बार वही, लाओ फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम मैं साकी, लाओ फिर एक बार वही, लाओ फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी। मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, शिक कहता है कि है, शिक कहता है कि है, ये भी हराम है साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, लाओ फिर एक बार वही, लाओ फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी। सुभान अल्लाह। इश्क की तेग जी गई दौरे उड़ा ली किसने, इश्क की तेग जी गई दौरे उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नया मैं साकी। साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, लाओ फिर एक बार वही, लाओ फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी। सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ने हयात, हाँ सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ने हयात, हो ना रोशन तो सुहन, हो ना रोशन तो सुहन, मर्ग दवा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, लाओ फिर एक बार वही, लाओ फिर एक बार वही, बादाओ जा मैं साकी, ला फिर एक बारी वही, ला फिर एक बारी वही, बादाऊ जा मैं साकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकअल्लाह खैरन। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल, फौज़ व गुदाज़ और आवाज़ के अंदर बरकतें अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वअल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है तो उसको वही मिलती है। तो माशाल्लाह हमारी प्यारी बेटी ने मेहनत की है, कोशिश की है, तो अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम दिया कि ये पूरे सरगोधा डिवीज़न के अंदर अल्लाह ताला ने इनको एक पोजीशन दी है, मकाम दिया। और कलाम इकबाल वो कलाम है कि जिसको पढ़ने के लिए बड़े बड़े कवाल और बड़े बड़े जो मुशायरा गो हैं उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही छोटी उम्र के अंदर हसीन अंदाज के अंदर ये कलाम पेश किया है।
अल्लाह ताला इनके इल्म के अंदर, अमल के अंदर, सोजो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो माशाल्लाह बच्ची के वालदैन हैं जिन्होंने ऐसी तरबियत की है और कलाम इकबाल पढ़ने को तैयार किया। और क्योंकि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अलीशान है, कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयतिही, कि हर बंदे से उसकी रैयत और अवाम के बारे में पूछा जाएगा। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरजुल राइन अला अहले बैतिही, कि मर्द जो होता है वो अपनी आल औलाद पर निगेबान होता है और उससे अपनी आल औलाद के बारे में पूछा जाएगा। और औरत के मुतालिक फरमाया कि औरत अपने शौहर के आल अयाल पर, उसके बच्चों पर, उसके घर पर निगेबान होती है और उनसे पूछा जाएगा। तो माशाल्लाह मेरे भाई और मेरी बहन ने बहुत ही मेहनत की है, अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक लेक बनाए और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत लहजा, और जिस अंदाज से आपने पढ़ा है यकीनन दुआएं निकलती हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां आपके लिए मुकद्दर फरमाए। और मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ आप ही का कमाल नहीं है, यह आपके वालिदैन का जो है बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इस कदर तरबियत फरमाई है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में आगे जा के बयान करूँगा। तो बस सिर्फ दुआएँ हैं हमारे पास, हम आपको दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला कदम कदम पर आपका हिफाजत भी फरमाए अल्लाह ताला, और आपके लिए कामयाबियाँ कामरानियाँ मुकद्दर फरमाए, और हमेशा आप अपने वालिदैन के लिए, हमेशा आप अपने वालिदैन के असर हमेशा फ़ख्र से बुलंद इसी तरह करते रहें। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम, सभी मेम्बर्स को मेरी तरफ से महफिल की बहुत बहुत मुबारक, और सबसे पहले मेरी प्यारी सी शहजादी बहना के लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। मैं इसको कुछ इन लफ्ज़ों में बयान करूंगी, तारीफ़ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। तो इसमें बात यह है कि जब एक माँ अपनी औलाद के कामयाबी की दुआ हो, जब वो अपने रब के सामने बैठ के दुआ करती है ना अपनी औलाद के लिए, तो उस औलाद को कभी नाकामी नहीं होती। तो ये मैं क्रेडिट आप इफ़त को दूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो एक अच्छी माँ है जिन्होंने बेटी की एक अच्छी तरबियत की और आज वो कामयाबियों की तरफ है, क्योंकि अच्छी बेटी अच्छी माँ का अक्स होती है। और मेरी हमेशा आपके लिए दुआ रहेगी कि अल्लाह इस प्यारी शहजादी को बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से महफूज रखे और हमेशा कामयाब रहें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी खुशी हुई है माशाल्लाह के बयान नहीं कर सकती। सब माँ बाप की दुआएं, और हम बहुत ही इस पे मुझे उम्मीद थी, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे उम्मीद थी इस वसलम के सदके। जब मुझे पता चला कि बेटी जा रही है तो मुझे पता था माशाल्लाह कि वो टॉप करेगी, और हजबा सल्लम के कदमों की खैरात मिलती है आशिकों को माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई है सरकार अल्लाह इसके हजबा सल्लम इसके इल्म में, अमल में, ज़ोक व शौक में बरकतें अता फरमाए, बेटी के दिल को नूर मोहम्मद सल्लम से हजबा सल्लम मुनव्वर फरमाए, हमेशा कामयाबियों से नवाजें। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन सुम आमीन माशाल्लाह। जी के क्यार सैफ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो जी बेटी का काम है और बेटी को बहुत बहुत मुबारक हो और इनके वालदैन को बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह मैंने सुना है, सॉरी मैं ज़रा लेट हो गई, गेस्ट आए हुए थे इसलिए, लेकिन थैंक गॉड के मैंने उसका कलाम सुना माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत बहुत कामयाबियों से हमकनार करे, और अल्लाह ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना इसे छुए, और इसे ज़िंदगी में इतना अच्छा साथी मिले कि जो इसकी हर दुख सुख में इसके साथ हो। और अल्लाह पाक, बेटियां जो होती हैं ना, वो कहते हैं ना, वो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि तियाँ केड़ा रात नूं उठ उठ खांदियां ने, और कहते हैं कि अगर हमें माँ बाप कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला एक दिन देता ना कि लिखो क्या कि क्या आप लिखना चाहते हो या क्या आप मांगते हो, तो वो कह माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बेटियों का मुकद्दर लिखते,
इतना इन बेटियों से प्यार होता है और बेटियों को भी माँ बाप से बहुत प्यार होता है, बल्कि वो तो हर रिश्ते को ही बड़ा अच्छा अच्छे तरीके से निभाती हैं। माशाल्लाह अल्लाह जी इन्हें और कामयाबियों कामरानियों से हमकनार करे। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मुबारक हो और तरक्की दे जी, और इनके माँ बाप को माशाल्लाह जिन्होंने इतनी अच्छी माशाल्लाह तरबियत की अपनी बेटी की जी, थैंक यू। मैं अपनी तरफ से उमर भाई आपको, इफ़त बाजी आपको और अपनी बाजी को, अपनी भांजी को दिल की ताकरियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुभान तआला की ज़ात जब किसी के घर में बेटा पैदा करता है तो बेटा एक नेमत है और बेटी एक रहमत है। जब वो नेमत से नवाजता है तो बेटे को अल्लाह की ज़ात कहती है कि तुम जाओ अपने बाप के पास और अपने बाप की खिदमत करो, और जब रहमत देती है अल्लाह की ज़ात किसी बेटी को पैदा करता है किसी के यहाँ, तो उस बेटी को अल्लाह की ज़ात कहती है कि तुम जाओ अपने बाप के पास, तुम्हारे बाप की मैं हेल्प करूँगा। सुभान अल्लाह, ये बेटियाँ रहमत होती हैं। और मैं फिर दिल की ताकरियों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आशा उमर को कि अल्लाह की ज़ात इनको सलामत रखे और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और मैं दिल की ताकरियों से मेरी वालदा माजदा यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं के साहब साहबा, अल्लाह की ज़ात इनको सलामत रखे, इनका साया मेरे सर पे सलामत रखे। नीचे मेरे भाई बैठे हुए हैं इमरान अली साहब, अल्लाह की ज़ात उनको सलामत रखे। जितने भी बहन भाई हैं यहाँ पे, मैं इन दिनों में ब्राड पे टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो आप ही को पता है। मेरे कज़न बीमार हैं और बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में मैं उनके साथ होता हूँ। और आज मेरी भांजी की ये महफ़िल थी, मैंने पोस्टर देखी है और मैं यहाँ पर हाज़िर हो गया, सिर्फ बतौर हाज़िरी आया हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह की ज़ात आप सब सलामत रखे, सलामत है। अल्लाह पाक आपके कज़न को भी सेहत दे, ज़िंदगी दे, हर लम्हा दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाए। बस दुआओं का सिलसिला जारी रखें, अल्लाह की ज़ात उन्हें सेहत अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर।